कॉल ड्रॉप मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्राई के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट द्वारा दिए गए आज के फैसले के तहत अब आपको कॉल ड्रॉप के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ट्राई का आदेश मनमाना और नॉन ट्रांसपेरेंट है। इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। इस बारे में हाई कोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्राई के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि कॉल ड्रॉप पर मोबाइल कंपनियों को मुआवजा देना होगा, 1 जनवरी 2016 से मुआवजा देना होगा। ट्राई ने 16 अक्टूबर 2015 को आदेश जारी किया था कि मोबाइल सर्विस कंपनियां कॉल ड्रॉप होने की दशा में 1 रुपया उपभोक्ता को बतौर मुआवजा देंगी, जो एक दिन में 3 रुपये हो सकता है। ट्राई की ओर से एजी मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि मोबाइल कंपनियों को उपभोक्ताओं की कोई चिंता नहीं है कि कॉल ड्रॉप से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। करोड़ों उपभोक्ताओं के देश में 4-5 मोबाइल कंपनियों ने कब्जा कर रखा है, जो कार्टल की तरह काम कर रही है। हमारे देश में 50 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं, जिनमें 96% प्रीपेड वाले हैं और 4% पोस्टपेड। देश में औसतन रिचार्ज 10 रुपये का होता है, और अगर ऐसे लोगों का कॉल ड्रॉप हो तो उनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं ट्राई का कहना है कि मोबाइल कंपनियों ने उपभोक्ताओं की संख्या के हिसाब से टॉवर नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप की दिक्कतें आ रही हैं।